इस बाइक में काफी सारे दिक्कत हो रहा है। स्टार्ट भी ठीक से नहीं हो रहा है, ट्यूनिंग भी बाइक पर नहीं आ रहा है और बाइक का माइलेज भी खराब हो रहा है और छुक छुक करके बाइक स्टार्ट गिर रहा है और पिकअप तो नहीं आ रहा है। कार्बोरेटर अचानक खराब हो जाने से हम लोग जितनी बार हम लोग वॉश करें कोई फायदा नहीं। रॉकर पहले ढीला है या टाइट है उसे देख लो। मेरे पास अभी कार्बोरेटर नहीं है, मैं कन्फर्म हूँ बाइक का कार्बोरेटर खराब है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने कार्बोरेटर लाया है, चलो फिटिंग करते हैं। तो चले स्टार्ट मारता हूँ। बाइक स्टार्ट हो चुकी है और स्टार्ट भी नहीं गिर रहा है और एक्सीलेटर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास आया है बजाज कंपनी का पल्सर BS4 बाइक है और इस बाइक में काफ़ी सारे दिक्कत हो रहा है, यानी कि स्टार्ट भी ठीक से नहीं हो रहा है, ट्यूनिंग भी बाइक पर नहीं आ रहा है और बाइक का माइलेज भी ख़राब हो रहा है और छुक छुक करके बाइक स्टार्ट गिर रहा है और पिकअप तो नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। देखिए स्टार्ट गिर गया, देखिए स्टार्ट गिर गया गाइस, पिकअप नहीं आ रहा है। देखिए कभी आ रहा है, पिकअप नहीं आ रहा है, देखिए बंद हो गया है। तो बाइक में काफ़ी सारे चीज़ मैंने चेकअप किया जो बाइक का कंडीशन जैसे कि ठीक नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने देखा स्पार्क प्लग उन्होंने लोकल लगाया था किसी मैकेनिक भाई ने, तो फिर मैंने नया ओरिजिनल जेनुइन स्पार्क प्लग लगाया। उसके बाद कार्बोरेटर को मैंने क्लियर किया और क्लियर करने के बाद भी नहीं हुआ है और स्पार्क प्लग लगाने के बाद भी नहीं हुआ है। तो फिर मैंने जैसे कि हेड ओपन किया इसका कैप, उसका टाइमिंग देखा, एक मैकेनिक भाई ने इसका वाल्व चेंज किया है, देखिए पैकिंग आठा लगा हुआ है, तो शायद मुझे लगा जो टाइमिंग इसका रॉन्ग रख दिया है। बट टाइमिंग भी सही परफेक्ट मुझे मिला, सब कुछ सही मिला, करंट भी सही है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्या रीज़न है जो बाइक में ऐसा हो रहा है? तो फ्रेंड्स बाइक में होता है हम लोग को कार्बोरेटर अचानक ख़राब हो जाने से हम लोग जितनी बार हम लोग वॉश करें कोई फ़ायदा नहीं। हम लोग को कार्बोरेटर के अंदर जो सुराग होता है वो सुराग कुछ ही जगह पर बंद हो जाता है, तो ये हम लोगों का रिपेयर नहीं होगा। तो क्या करेंगे, कार्बोरेटर हम लोग को लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग सबसे पहले छोटा मोटा चीज़ चेकअप करके देख लो, यानी कि जो प्लग होता है प्लग चेक कर लो। रॉकर पहले ढीला है या टाइट है उसे देख लो, अगर टाइट रहे तो ढीला कर दीजिए। इस पर प्लग लोकल रहे या ख़राब हो शॉर्ट रहे तो प्लग लाया नया लगा दीजिए। एक बार नॉर्मल कार्बोरेटर को वॉश करके देखिए टोटल क्लियर से देखे, जिसमें कि अगर वॉश करने के बाद ये सब करने के बाद हो जाता है तो सही है, अगर नहीं होता है तो फिर आप लोगों को एक कार्बोरेटर लगाना पड़ता है। तो मेरे पास अभी कार्बोरेटर नहीं है, मैं कन्फर्म हूँ बाइक का कार्बोरेटर ख़राब है, तो मार्केट से मैं कार्बोरेटर लाऊंगा और आप लोगों को एक्चुअली दिखाऊंगा जो रीज़न 100% मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ आप लोगों को पता चल जाएगा, जो बाइक में प्रॉब्लम काफ़ी सारे क्रिएट हो रहा है। देखिए देखिए स्टार्ट गिर गया है, थोड़ा आरपीएम बढ़ा, आरपीएम बढ़ा, देखिए कितना नाइट टाइट कर दिया है आरपीएम का, बस 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 इतना आरपीएम नॉट टाइट कर दिया है, फिर भी आरपीएम हम लोग अप डाउन कर रहा है देखिए, और पिकअप नहीं ले रहा है, जब दे रहा है बंद हो रहा है। तो चलिए मार्केट से कार्बोरेटर लाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। टैंकी ओपन कीजिए, चलिए चलो टैंकी फेंकी हम लोग ओपन कर लेते हैं और पूरा प्रोसेस करते हैं लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने कार्बोरेटर लाया है, 2716 रुपये इसका कीमत है, वाट लग गया है। तो चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और एक्चुअली देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया है। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का कार्बोरेटर, चलो फिटिंग करते हैं। और कार्बोरेटर फिटिंग करने के बाद आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा, इसमें हम लोग ट्यूनिंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को बताऊंगा। जब भी आप लोग नया कार्बोरेटर लगाएं कुछ चीज़ आप लोगों को गौर करना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोग बाद में बताता हूँ फिटिंग करने के बाद। तो चलो फिटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स पूरा कार्बोरेटर को मैंने फिटिंग कर लिया है, अब आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। जो बाइक में स्टार्ट हम लोग अभी ट्यूनिंग कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, तो चले स्टार्ट मारता हूँ।
बाइक स्टार्ट हो चुकी है और स्टार्ट भी नहीं गिर रहा है और एक्सीलेटर देंगे। यानी कि मक्खन जैसा पिकअप आ रहा है और ट्यूनिंग भी हम लोग का परफेक्ट है। तो यहाँ जो यारिस ग्रुप का नाट दिया गया है गाइस, इसे आप लोग कभी भी छेड़खानी मत कीजिए जब आप लोग का ट्यूनिंग सही रहे। हाँ, अगर इंजन अगर आप लोगों का कुछ ट्यूनिंग मांग रहा है तो इंजन के हिसाब से हम लोग यहाँ आरपीएम को, जैसे कि यारिस ग्रुप का नाट को थोड़ा ढीला टाइट करके एडजस्ट कर सकते हैं। बट इंजन अगर हम लोग ओके रहे, वाल्व का कंडीशन सही रहे, कंप्रेसर सही रहे, तो इस नाट को कभी भी आप लोग छेड़खानी मत कीजिए, वरना आप लोगों का दिक्कत में आ सकता है और प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो आप लोगों को बताया, एक्चुअली कार्बोरेटर हम लोग जो महंगा चीज़ होता है, इसका कीमत आप लोगों ने देखा 2700 रुपये कीमत है। हम लोग अचानक मैकेनिक भाई डिस्चार्ज नहीं कर पाते और दूसरा प्रॉब्लम रहते हैं और कार्बोरेटर लगाते हैं फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो पहले आप लोगों को क्या बताया, जो आप लोग कार्बोरेटर लगाने से पहले आप लोग स्पार्क प्लग चेकअप कर ले, हेड का कंप्रेसर चेकअप कर ले, यानी कि रॉकर अगर टाइट रहे तो उसे चेकअप कर ले, और टाइमिंग चेकअप कर ले अगर किसी मैकेनिक ने हेड खुला है तो। तो ये सब करने के बाद ही आप लोग कन्फर्म हुई है, जैसे कि मैंने कन्फर्म, मुझे इतना सब कुछ करने के बाद ही मैंने कन्फर्म हुआ और कार्बोरेटर को लगाया और अभी तक मेरा बाइक 100% सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।